नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के दूसरे लीग मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने 31 अक्टूबर को उतरेगी। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले को लेकर जमकर तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 10 विकेटों से हार के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार वापसी करना चाहती है। हालांकि टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। T20 वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक टीम इंडिया ने खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में पहली बार न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने हुए थे, तब भारत को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2016 में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, लेकिन नतीजा फिर से भारत के पक्ष में नहीं रहा था। अब दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 में एक दूसरे का सामना करने जा रही हैं। आपको बता दें 2016 में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और ये 2021 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं। यानी कि विराट कोहली अपनी कप्तानी में पहली बार T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रहे हैं और ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी है। इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। अब बता दें इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तैयारियां ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं और टीम इंडिया इस मुकाबले में पिछले मैच में की गई गलतियों को भुलाकर मैदान में उतरना चाहेगी। आपको बता दें वहीं न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान के ही हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने मैच में कुछ संघर्ष जरूर दिखाया था और बीच के ओवरों में कुछ हद तक मैच में वापसी भी कर ली थी, लेकिन अंतिम ओवरों में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनसे मैच छीन लिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाना चाहेंगे, वहीं भारतीय बल्लेबाज पूरी ताकत के साथ इस मैदान में उतरना चाहेंगे। आपको बता दें मुकाबला शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।